नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए आज के इस खास वीडियो में हरेला पर्व से जुड़ी कुछ बहुत ही प्यारी बातें लेकर हाजिर हो चुकी हूं। दोस्तों, उत्तराखंड का ये सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है, तो आज इस खास वीडियो में मैं आज हरेला पर्व के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने वाली हूँ, जो सीधे सीधे सावन माह से जुड़ा है और सीधे सीधे शिव भक्ति से भी। आपको बताते चलूं कि उत्तराखंड के कुछ प्रमुख पर्व हैं, जिसमें से एक हरेला है। ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है हमेशा से। दोस्तों, प्रकृति संपदा से परिपूर्ण राज्य उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, उत्तराखंड को तो देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में विविधताएं देखने को मिलती है, तो वहीं इसी के कारण यहाँ पर देश विदेश के पर्यटकों की खूब जमावड़े लगते हैं, खूब भीड़ लगती है। यहाँ के मंदिर, यहाँ के तौर तरीके, संस्कृति, कला, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। बात प्रकृति की जाए तो यहाँ की प्रकृति भी बेहद खूबसूरती और आकर्षित होती है, जो लोगों को अपनी तरफ हमेशा खींच लेती है। तो कुछ उसी में से एक पर्व है उत्तराखंड का, जिसे हरेला कहा जाता है। दोस्तों, आज पर्व है, जी हाँ, आज हरेला पर्व है, यानी 16 जुलाई 2022 को हरेला पर्व आज उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, जिसे बड़े ही धूमधाम से कुमाऊं और कुछ गढ़वाल में मनाया जाता है इस त्यौहार को। दोस्तों, हरेला पर्व के बाद से ही उत्तराखंड में सावन के महीने की शुरुआत मानी जाती है। साथ ही हरेला का पर्व हरियाली और नई ऋतु के शुरू होने की खुशी में भी मनाया जाता है। इसके बाद से ही यहाँ पर सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होती है। आपको ये भी बता दें कि हरेला का अर्थ होता ही है हरियाली, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है। बात करें अब इसको किस तरीके से मनाया जाता है, तो इस पर्व के 9 दिन पहले घर के मंदिर में 7 प्रकार के अन्न, जिसमें गेहूँ, मक्का, गहत, सरसों, उड़द और भट्ट के बीजों को रिंगाल की टोकरी में रोपा जाता है। फिर 10 दिन बाद इन्हें काट कर घर का मुखिया इनकी पूजा करती है, जिसे हरेली पतिसना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान को इसे चढ़ाया जाता है। फिर घर की बुजुर्ग महिला सभी सदस्यों को यह हरी घास कान के पीछे रखने के लिए कहती है। यह रखते हुए गीत गाने की भी परंपरा है। यह त्योहार परिवार की एकता बनाए रखने और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। ये महापर्व हरेला के काटने का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक का होगा। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से आप सभी को 16 जुलाई की अवकाश देने की भी घोषणा कर दी गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है, जिसको 10 दिनों तक मनाया जाता है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। लेकिन सबसे खास होता है सावन के महीने का हरेला का त्यौहार, हरेला का पर्व, जो कि सिर्फ जिससे सीधी सीधी तरीके से कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।